इमली का आज की शुरुआत होती है जहाँ पर इमली और आदित्य दोनों ही मालिनी को ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो दूसरी तरफ घर वालों की सांसें अटकी हुई है कि मालिनी पता नहीं कहाँ है और वो कैसी है। जब ये घर वाले प्रार्थनाएं करते हुए नजर आते हैं तो आदित्य उसी लड़की यानी वो औरत जो साड़ी पहनी होती है मालिनी जैसी उसके ऊपर से पत्थर हटाता है, उसका चेहरा देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं और वापस उसको एक तरफ से वो लगता है झटका कि चलो मालिनी तो यहाँ पर नहीं है और उसकी जान में जान आ जाती है। फिर वो वापस मालिनी को ढूंढने के लिए निकलता है तो दूसरी तरफ यहाँ पर उस मालिनी के पापा को और आदित्य को पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही होती है और आदित्य कहता है कि इमली कहाँ गई, इमली तो यहीं पर थी। फिर वापस से आदित्य इमली को ढूंढने के लिए निकलता है और मालिनी भी उसे कहीं नहीं मिली होती तो सबको बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। और दूसरी तरफ इमली तो पहुंच चुकी है मालिनी के पास में और मालिनी दबी हुई है मलबे में, जिसे बचाने के लिए वो उसे काफी हिम्मत देती है और कहती है कि आप शक्ति में कम हो सकती लेकिन हमारा कौन, हमारा आत्मसम्मान हमारी सरिता मैया ने हमें भर भर के दिया है और उसको मंगलसूत्र भी दिखाती है, आप इतनी मतलबी नहीं हो सकती, आपको मदद करनी ही होगी। उसके बाद दोनों हिम्मत करके उस पर पड़े हुए पत्थर को हटाती हैं और बचाती है मालिनी की जान। इमली पर भी एक पत्थर गिर जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। आदित्य यहाँ पर भागा हुआ आता है और मालिनी को इग्नोर करके सिर्फ उसे इमली ही दिखती है क्योंकि वो इमली को ढूंढने ही आया था और इमली को उठाकर लेकर जाता है। मालिनी वहाँ पर अपना हाथ देते उसे पुकारती रहती है लेकिन वो उसे नहीं देख पाता और यहाँ पर उस मालिनी के पापा आकर उसे बचाते हैं। दोनों यानी इमली और मालिनी दोनों को ही बचा लिया जाता है और घर पहुँचते हैं, दोनों को होश आ जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर इमली को होश आ गया है, मालिनी को पहले होश आ जाता है और फिर मालिनी भी इमली से मिलने के लिए सब घर वालों के साथ वहाँ पर जाती है लेकिन मालिनी के मॉम को बिल्कुल बात पसंद नहीं आती कि मालिनी के पापा भी उसे मिलने जा रहे हैं और उसे डांटते हुए नजर आते। तो कहते आज अगर मालिनी हमारे साथ है तो वो सिर्फ इमली की वजह से, और वो सभी लोग इमली से मिलने जाते हैं और इमली को मालिनी भी डांटते हुए नजर आती है कि तुम्हें कुछ हो जाता तो इमली कहती कि हमारा क्या, हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो मालिनी उसे भी डांटते हुए नजर आती है। यहाँ पर आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर आदित्य की मॉम कहती है कि हमने तुम्हारी माँ से बात करनी है, हम बताएं तो सही आप तुमने हमारे लिए क्या कुछ किया है, लेकिन वो कसम दे देती है कि आप कभी भी मेरी माँ को ये सब कुछ नहीं बताएंगी कि आदित्य की वाइफ की जान मैंने बचाई है क्योंकि उन्हें नहीं पता है अभी तक। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होंगे जहाँ पर धीरे धीरे कड़ियाँ खुलते हुए नजर आ रही है। वेल देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कब खुलेगा ये राज। आगे के एपिसोड के अपडेट भी हमने इसी तरह से लाते रहेंगे, तो कल चैनल को सब्सक्राइब। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।